9 एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स, तो इसको वाई के इक्वल अज्यूम करेंगे ठीक। और यू इज इक्वल्स टू, लेट यू इज इक्वल्स टू, आपको यहीं पे लिखना है एग्जाम में, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में थोड़ी जगह ताकि बच जाए। तो यू इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स अज्यूम किया, और वी इज इक्वल्स टू हमने अज्यूम किया साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा करने से हमारे पास y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, u प्लस वी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ हम अपनी कॉपी में लिखेंगे एग्जाम में डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, और ये इक्वेशन नंबर टू बन जाएगी हमारे पास। अब इस इक्वेशन नंबर टू में डी यू बाय डी एक्स और डी वी बाय डी एक्स रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है। तो u कितना था, u था आपके पास x की पावर sin x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ u इज इक्वल्स टू, जब इसका लॉग लोगे तो ये sin x आगे आ जाएगा, तो sin x इन टू लॉग x हो जाएगा, इसका लॉग लोगे ना तो लॉग ऑफ x की पावर sin x आगे आ जाएगा, तो लॉग x बचेगा, बस sin x इन टू लॉग x ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, sin x फर्स्ट फंक्शन और log x आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो log u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 अपॉन u इन टू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन, यानी कि लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा साइन एक्स, अब देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, तो यहाँ नीचे एक्स आ जाएगा और एक्स का वन ठीक है, उसको लिखेंगे नहीं, प्लस log x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है ठीक है। ये आ गया, और इसको हम ऐसे ही छोड़ दें या देखते हैं थोड़ा सा अगर सॉल्व कर पाए हम, तो आइए देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। u को उधर भेज देंगे ठीक है, तो क्या हो जाएगा du यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस पूरे को अगर आप ब्रैकेट में रखें ठीक, तो u इधर आ जाएगा, तो u इंटू साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x, ऐसा हो गया। अब u की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो हो जाएगा आपके पास क्या du यू बाय डी एक्स, पहले इतना कर लो आप, कर लो इतना कर लिया, चलो du यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिए ज़रा u, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है आपकी x की पावर साइन x ओके, और ब्रैकेट में आपके पास साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस एक्स, ऐसा है मेरे ख्याल से यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि देखो ये x की पावर साइन x है और यहाँ भी x है, तो दोनों के बेस सेम होंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते होंगे, कैसे देखो x की पावर साइन x इन द ब्रैकेट साइन x अपॉन x, यहाँ पर क्या था वन, वन और x का एलसीएम कितना आ जाएगा, x आ जाएगा ठीक, प्लस ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू log x इंटू कॉस एक्स ओके, आप इसको चाहो तो x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स भी लिख सकते हो, तीन फंक्शन है x इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एल्जेब्रिक फंक्शन, फिर हमने लिख दिया मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x इंटू कॉस एक्स, और फिर लास्ट में लॉगरिथमिक फंक्शन x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स ठीक है। ये हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, ये x को आप बाहर ला सकते हो, तो x की पावर साइन x अपॉन x, और ब्रैकेट में बचा आपके पास साइन x प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, अब फिर से वही चीज़ यहाँ पे पावर वन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेस से में पावर माइनस कर देंगे, तो x की पावर साइन x माइनस वन, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर साइन x माइनस वन, और ब्रैकेट में क्या हो गया, ब्रैकेट में हो गया आपके पास साइन x प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ x ओके, ये आ गया आपके पास क्या डी यू बाय डी एक्स ठीक है, तो इतना कर लीजिए पहले आप डी यू बाय डी एक्स। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो हमने एलसीएम ले लिया था ना, आपकी बुक में एलसीएम नहीं लिया हुआ है, जब एनसीईआरटी में वो आंसर करते हैं तो डी यू बाई डी एक्स को उन्होंने ऐसा ही छोड़ दिया है, तो एलसीएम भी अगर हमने ले लिया तो गुनाह नहीं कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स था यहाँ पे भी, तो पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते थे हम ठीक है, तो कोई गुनाह नहीं है, तो मैंने डी यू बाई डी एक्स की दोनों वैल्यू लिख दी, आपकी बुक में ऐसा करके आ रहा होगा, देखिए डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स, और ब्रैकेट में देखो कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स को पहले लिख लिया, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स ठीक, तो आपकी बुक में ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या निकाला था, हमने ये निकाला था, तो हमने अपना वाला भी लिख दिया यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज़ है, आप कुछ भी लिख दो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है। तो अब आइए हम निकालते हैं क्या dv बाय dx, चलिए dx के लिए
वी इज इक्वल्स टू कितना था स्टूडेंट्स, वी इज इक्वल्स टू साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स था, ठीक है। नाउ लॉग ले लेंगे बोथ साइड, तो लॉग ऑफ वी इज इक्वल्स टू, जब लॉग लोगे तो ये कॉस आगे आ जाएगा लॉग एम की पावर एन वाले रूल से, तो कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये आ गया। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये एक्स की पावर साइन एक्स को मैंने ब्रैकेट में जानबूझ के लिखा है, क्योंकि ऐसा था ना एक्स की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर वन, ठीक। तो एक्स की पावर अगर मैं ऐसे लिख देता ना साइन एक्स माइनस वन, तो कन्फ्यूजन होता कि एक्स में, तो एक्स में से वन माइनस किया गया है क्या, कन्फ्यूजन होता, इसलिए इसको हमने ऐसे लिखा है ताकि हमें पता चले साइन एक्स पूरे साइन एक्स में से वन माइनस किया गया है, ठीक है। एक्स में से नहीं माइनस किया गया, साइन एक्स में से वन माइनस किया गया है, ठीक है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट भी लगा दिया वहाँ। तो ये हो गया, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वी का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो कॉस एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन और लॉग साइन एक्स आपका ये पूरा आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन क्या था आपका कॉस एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपके पास वन अपॉन वी इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो कॉस एक्स अपॉन, देखो इस पूरे का करोगे जब लॉग ऑफ साइन एक्स का, पहले लॉग का करोगे तो लॉग के साथ जो भी वन अपॉन में आ जाएगा, यानी कि साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स का करोगे, साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक, एक्स का करोगे वन आएगा, पहले पूरे का किया लॉग का, जो लॉग के साथ था वो वन अपॉन में आया, साइन का क्या हो गया कॉस और एक्स का वन, वन हम लिखते नहीं है, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू, हाँ भाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो वो माइनस साइन एक्स को हम आगे लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स, वो इस साइन को भी चेंज कर देगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, और एक्स का करोगे तो वन आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स हो गया, ये पूरा कॉट एक्स हो गया, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक, ऐसा हो गया। अब इसको आप पूरा एक ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में वी को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इतना कॉपी कर लो पहले, कर लो, कर लिया, चलो, तो देखो आपके पास हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, वी इधर आ जाएगा, तो वी इंटू इन द ब्रैकेट कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ व्हाट साइन एक्स, ये हो गया। अब v की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो v की वैल्यू कितनी थी बच्चों, साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स, तो यहाँ पे v की वैल्यू रखेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप में रखोगे, मैं यहीं कर देता हूँ, साइन एक्स की होल पावर व्हाट कॉस ऑफ x, ठीक। अब इसमें कुछ सिंप्लीफाई होता तो नज़र आ नहीं रहा है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, लेट अस से ये जो था आपका इक्वेशन नंबर 3 था, NCERT वाला ही आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो du by dx की जगह, ठीक है, कोई नहीं काटेगा, ठीक। तो ये फोर्थ, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, डी यू बाई डी एक्स कितना था, x की पावर साइन x और ब्रैकेट में cos x इंटू log x प्लस साइन x अपॉन x, ये हो गया डी यू बाई डी एक्स, और प्लस डी वी बाई डी एक्स ये रहा, यानी कि साइन x की होल पावर cos x और ब्रैकेट में cot x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू log ऑफ साइन x, ओके, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर, कर लीजिए।